अवैध कब्जा हटवाने की मांग करना बुलंदशहर जिले के थाना खुर्जा देहात के गांव किरावली के प्रधान प्रतिनिधि को उस समय महंगा पड़ा था जब शिकायत करने के बाद उन पर भूमाफियाओं ने जानलेवा हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके विरोध में जनपद बुलंदशहर के सभी प्रधानों ने बुलंदशहर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। गाँव किरावली के प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह पर 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे भूमाफियाओं ने जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद पीड़ित ने दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ खुर्जा देहात थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दे दी थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने राजकुमार पुत्र यदुवीर सिंह, साहब सिंह उर्फ सोनू पुत्र सत्य कुमार, सतीश पुत्र रेशमपाल, राहुल पुत्र के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके विरोध में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जनपद के पद अधिकारियों व प्रधानों के द्वारा सोमवार को बुलंदशहर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। जब इसकी भनक SDM बुलंदशहर अरविंद सिंह को लगी तो उन्होंने भूमाफियाओं के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के कार्यकर्ताओं व प्रधानों को धमकाने के लिए भेज दिया। उन्होंने प्रधानों को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपनी शिकायत वापस ना ली और धरना बंद नहीं किया तो सभी को झूठे मुकदमे में फंसा कर सबकी जांच शुरू करा दूंगा। ये योगी राज में कहां का इंसाफ है? पहले प्रधानों पर भूमाफियाओं द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है, फिर उसके बाद वह कानून के दरवाजे पर अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से धमका कर भगा दिया जाता है। क्या यही रामराज्य है? इस बात को समझ पाना मुश्किल है। इसके विरोध में जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह मावई ने कहा कि यदि हमें जेल जाकर इंसाफ मिलेगा तो हम इंसाफ पाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, उसके लिए प्रधान साथियों व अखिल भारतीय प्रधान संगठन को कुछ भी करना पड़े। अब किसी भी प्रधान का शोषण व उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान सरकार जल्द से जल्द अपनी नींद खोले, कहीं ऐसा ना हो जब तक वह नींद से जागे तब तक देर हो जाए। पटवारी जी के उसमें थैले में आकर के और वहां दफन हो जाती, ये बिल्कुल सत्य है और अधिकारी सब लोग जानते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं जानते हैं। साथियों, ये अधिकारी प्रधान को चपरासी की भी वैल्यू नहीं देते हैं। ये केवल लूटने के लिए यहां पर आए हुए हैं, भूमाफियाओं को कब्जा कराने के लिए आए हुए हैं। शासन की योजना को भी इन्होंने शासन को बेवकूफ बना रखा है। शासन जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हमारे इतने इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इनके कानों पर असर नहीं है। अगर तहसील प्रशासन चाहे तो कौन सा ऐसा भूमाफिया है जो कब्जा कर लेगा।